Hey guys, welcome back to my channel, the world of everything. दोस्तों आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए रीजनल साड़ी ड्रेपिंग टाइप को आपके सामने दिखाने वाली हूँ. तो बेसिकली ये साउथ इंडियन जो परफेक्ट वेडिंग स्टाइल होती है, साउथ इंडियन ब्राइड्स जो पहनते हैं जिस तरीके से एकदम परफेक्ट बॉडी हगिंग साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल, उसी को हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसको करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस तरीके से मेरा साड़ी क्योंकि ब्लाउज़ पीस इसका कटा नहीं है अभी तक, तो मैंने इसको एक बार चारों ओर घुमा लिया. आपकी अगर ब्लाउज़ पीस कटा हुआ है तो आप इस स्टेप को काइंडली स्किप कर दीजिए, नहीं तो आपका साड़ी का लेंथ छोटा पड़ जाएगा. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इसी तरीके से छोड़ देंगे. यहाँ पर देख लीजिए आप पीछे के साइड कैसे मैंने टक इन किया है. उसके बाद आपको क्या करना है, साड़ी का पल्लू को लेके आपको छोटे छोटे प्लीट्स बनाने हैं. रफली बनाने से भी चलेगा क्योंकि अभी हम फाइनल जो प्लीट्स है वो नहीं बनाने वाले हैं, वो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. तो आप सिर्फ लेंथ के लिए इसको मेज़र कर लीजिएगा. और साउथ इंडियन स्टाइल में क्या होता है ना, साउथ इंडियन वेडिंग स्टाइल में जनरली वो लोग जो पल्लू रखते हैं उसको थोड़ा सा बड़ा करके रखते हैं, तो उसको हम बड़ा ही रखेंगे. उसके बाद कमर के इस साइड को इस तरीके से खींच के नीचे की ओर लेके आएंगे, एंगुलर मोशन पर हम लेके आएंगे. और उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने कमर के उसी एरिया में क्या करेंगे, सेफ्टी पिन से इसी तरीके से टाइटली हम क्या करेंगे, सिक्योर कर लेंगे. देख लीजिए मैंने कहाँ पे सेफ्टी पिन से सिक्योर किया है, इस तरीके से पेटीकोट के ऊपर हम इसको सिक्योर कर लेंगे. और सिक्योर करने के बाद ये लुक देख लीजिए इस तरीके से आएगा. फिर हम नीचे से दो तीन ऐसे फोल्ड बनाएंगे, देख लीजिए किस तरीके से मैं फोल्ड बना रही हूँ. ये हो गया एक, ये हो गया दो, इस तरीके से दो तीन आपको फोल्ड बना के आपको साड़ी को क्या करना है, देख लीजिए कितना बढ़िया से ये फिट हो रहा है. उसको हम खींच के इसी तरीके से अपने दाएं ओर थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पे मैंने पहला सेफ्टी पिन सिक्योर किया था उसके थोड़ा सा ऊपर हम इस तरीके से उसको सिक्योर कर लेंगे. इससे क्या होगा, आपका बॉडी का जो एक मर्मेड स्टाइल जो एक लुक आता है ना, जो परफेक्ट बॉडी हगिंग लुक आता है, उससे ये लुक बहुत अच्छे से आएगा. आप कभी भी साड़ी पहनिएगा, इस स्टेप को बिल्कुल कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका साड़ी ड्रेपिंग में कितना बड़ा चेंज आया. इसके बाद हम दो उंगलियों के बीच में गैप को नापते हुए उसको छोड़ देंगे. उसके बाद बाले से हम क्या करेंगे, प्लीट्स बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर दे रहे हैं. देख लीजिए थोड़ा सा पोर्शन हम छोड़ देंगे, लगभग 10 इंच इतना पोर्शन हमने राइट साइड में छोड़ दिया है. उसके बाद हम इस तरीके से प्लीट्स बनाएंगे और 10 इंच छोड़ने के बाद वो प्लीट जो बनेगा वो सबसे बड़ा प्लीट बनेगा. इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जब भी इस साइड का साड़ी पहनिए तो आप 10 इंच गैप इस मस्ट आप वहाँ पर राइट हैंड साइड में छोड़ दीजिए. अभी देखिए यहाँ पे प्लीट्स मैं बनाने की फिर से सेट करने की कोशिश कर रही हूँ. प्लीट्स बनाने के टाइम अगर आपके पास कोई हेल्पर नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, प्लीट्स को ऐसे झाड़ते हुए कीजिएगा. इससे क्या होगा, नीचे का साइड अगर फोल्ड रहा है या कहीं पे छूट गया है तो वो परफेक्टली आपका नीचे बैठ जाएगा. देखिए सामने के हिस्से में मैंने पहले वाला जो हिस्सा छोड़ा था उसको खींच के मैं सामने की ओर लेके आई जितना हो सके, क्योंकि वो अल्टीमेट मेरा कवर प्लीट होगा. बाकी का प्लीट जो होगा उसके अंदर रहेगा. इससे क्या होगा, ये लुक में ये रहना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद हाथ से मैंने सारे को समेट लिया. आप चाहे तो इसको आयरन भी कर सकते हैं, उससे और भी बढ़िया लुक आएगा, लेकिन मेरे पास आयरन अवेलेबल नहीं है तो मैंने हाथ से उसको सेट कर लिया. एज इट इज़ कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही आपका काफ़ी होता है, हाथ से आप सेट कर लीजिएगा. उसके बाद आप ऐसे प्लीट्स को सही तरीके से संभाल लीजिएगा और बाकी का बचा हुआ जो एरिया है उसको पीछे की ओर ऐसे ढकेल के उसको उधर ही आप टकिंग कर लीजिएगा. उसके बाद नीचे का फोल्ड जो है उसको भी हम इसी तरीके से इसी मोशन में हम क्या करेंगे, सेट कर लेंगे. देख लीजिए इससे आपका प्लीट्स जो है बहुत ही बढ़िया से बैठ जाएगा, कहीं से भी ख़राब नहीं दिखेगा. बस अब ये हो गया, यहाँ पे हम एज इट इज़ इसको छोड़ देंगे. आप देख लीजिए लुक अभी से कितना बढ़िया उभर के आया है. अभी जब हम
पल्लू करेंगे तो पल्लू को थोड़ा सा ध्यान में यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, देखिए ये चौड़ा जितना है पल्लू हम उसी को उसी हिस्से को उसी स्टाइल में करेंगे। ज़्यादा बड़ा यहाँ पे पल्लू करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए आप पल्लू को इसी साइड से, सामने का साइड हमेशा आप राइट हैंड साइड में रखिए, मतलब आपका पार जो होगा वो राइट हैंड साइड में ओपन होना चाहिए एंड एकदम लास्ट वाला पार जो आपका होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ओपन होना चाहिए। इसी तरीके से छोटे 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 प्लीट्स हम यहाँ पर बना लिए, ऑलमोस्ट पूरे साड़ी को कवर करते हुए मैंने बना लिया। और बनाने के बाद उसको हम क्या करेंगे, इसी तरीके से पकड़ के हाथ के दोनों पास में ले आके उसको हम थोड़ा सा फिर से ऐसे प्लेन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि वहाँ पे भी प्लीट्स जो ऊपर खापड़ हुआ है वो भी सेट हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसी तरीके से आप कर लीजिए और उसको फिर से झाड़ लीजिए, इससे अंदर वाला अगर कोई हिस्सा छूट गया है या कहीं पे भी कुछ हुआ है तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा हिस्सा छोड़ा है। अब ये हो जाने के बाद आप प्लेट्स को थोड़ा सा सेट कर लीजिए, हाथ की मदद से ये इजीली सेट हो जाएगा, इसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और सेट करने के बाद अपना लेंथ को एक बार मेजर कर लीजिए कि कहाँ पे आप लेंथ को लाना चाहते हैं। और देखिए प्लीट्स मैंने यहाँ पे सिक्योर कर लिया, उसी के साथ मैंने कमरबंध जो होता है वो भी यहाँ पे पहन लिया। और पहनने के बाद आप प्लीट्स को इस तरीके से फैला लीजिए, इससे लुक जो होगा और भी बढ़िया उभर के निखर के आएगा। देख लीजिए कितना बढ़िया से सेट हुआ है साड़ी, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ऊपर से प्लीट्स भी देख लीजिए, प्लीट्स भी कितना बढ़िया से, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हुआ है। आप चाहिए तो थोड़ा सा लोअर प्लीट भी कर सकते हो, दैट मीन्स आपका राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है बॉर्डर है उसको थोड़ा सा नीचे खींच के भी ला सकते हो। मैंने क्योंकि ये ट्रेडिशनल साड़ी वेयरिंग साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल मैंने किया है तो यहाँ पर मैंने खींचने की ज़रूरत महसूस नहीं की। आपको अगर लगता है आप सिर्फ स्टाइल यहाँ से कॉपी कीजिए, ना कि पूरा साड़ी का स्टाइल मैंने यहाँ पे जो बताया है वो बिल्कुल आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे मैंने पहना है सिर्फ उस टेक्निक को आप कॉपी कीजिए, दैट्स इट। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।